कहता है बीवी के कुछ पार्ट देखे थे, आज हम देखेंगे मोहन को घर से निकाल दिया। जब ये लड़की से उसने शादी कर ली तो उसका जो भाई था उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मोहन ने लेखक को बताया कि उसने भाई भाभी की मर्जी के विरुद्ध यानी अपने परिवार के विरुद्ध उसने शादी की थी और लड़की भी दूसरी जाति की थी, अदर कास्ट की थी, इसलिए भाई ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वो आगरा से उनका रहना मुश्किल था, इसलिए वह पत्नी के साथ ग्वालियर आ गया, आगरा से ट्रांसफर होकर वह ग्वालियर आ गया। और यहाँ कोई नौकरी न मिलने के बाद उसमें वह कोटक रहने लग गया। लेखक ने मोहन की प्रशंसा की और कहा कि वास्तव में तुम बहुत बड़े हो, बड़े बड़े लोग नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतरते, यानी बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं पर ऐसे समाज में नारी को ऊंचा उठाने की बात कोई भी नहीं करता। जो काम तुमने सेवा का किया है, धर्म का काम किया है, एक लड़की को बर्बाद होते हुए किया है, वो तुम्हें अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशा ग्रस्त होने से बचा लिया, यानी एक मरने वाले व्यक्ति को तुमने एक नया जीवन दिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक जोड़ दिया है। अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, माँ बाप मिल गए। इसके मोहन के माता पिता थे नहीं, अब उसे लेखक और लेखक की पत्नी से मिलने के पश्चात उसे लगा इससे माँ मिल गए। वापसी में मोहन लेखक दंपति को स्टेशन पर पहुंचाने गया, लेखक ने उसे 500 रुपए 500 रुपए दिए। उसने कहा आप दोनों से मुझे माता पिता जैसा प्रेम मिला है, यानी एक प्रकार से अपनापन, यह सुख भी यह सुख मेरे लिए पैसों से बढ़कर है, जो यानी आपका प्यार मिला है पैसे बढ़कर है। और लास्ट में देखें लेखक की शर्त, मोहन ने लेखक से प्रार्थना की जब कभी वे ग्वालियर आए तब वे मोहन को अवश्य बुलाएं, अपना मन दिखाएं, इसे मोहन को बड़ी खुश होगी। इस पर लेखक ने कहा कि यदि वह 500 रुपए लेना स्वीकार करे तो उसका आग्रह मानेंगे, यदि 500 रुपए लोगे तो ही मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा तुम्हारे लिए। अंत में मोहन ने 500 रुपए ले लिए। उसके पूछने पर लेखक ने उसे अपना नाम सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना बताया, यानी लेखक ने अपना नाम सत्यकेतु बताया और अपनी धर्मपत्नी का नाम कामना बताया। विदा होते समय लेखक ने मोहन की आंखों में गहरा अपनापन दिखाई दिया, जब यानी लेखक वहां से विदा हुए ट्रेन में, फिर बाद में वो देखें एक प्रकार से उसे अपनापन महसूस हुआ। विद्यार्थी मित्रों, आज इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसको लेसन रीडिंग करेंगे। थैंक यू।